हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत हम हमारे पुराने टॉपिक से जो चल रहा था यानी पेट्रोलियम से करेंगे। ये जो पेट्रोलियम है ये हमारे चैप्टर फिफ्थ का पार्ट है जो है कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ओके, उससे ये होगा कि बेस हमारा स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया टॉपिक चल रहा है। ओके, तो मैंने हेडिंग से समझाया था कि कोल एंड पेट्रोलियम, कोल मतलब होता है कोयला एंड पेट्रोलियम मतलब पेट्रो। पेट्रोलियम वर्ड जो है वो पेट्रा प्लस ओलियम से आया है, तो पेट्रा का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल। ओके, एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ठीक है, पेट्रा का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल या रॉक, ओके, चट्टान, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब चट्टान के नीचे दब के जो ऑयल बन जाता है वो कहलाता है पेट्रोलियम। ओके, तो पेट्रोलियम, आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल आता है। पेट्रोलियम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल द फॉसिल फ्यूल्स। ओके, वेदर इट माइट बी केरोसिन, केरोसिन भी आता है इसमें, पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, सीएनजी भी आता है। ओके, एविएशन फ्यूल भी आता है। तो जितने तरह के फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे पेट्रोलियम के अंदर आ जाते हैं। पेट्रोलियम का मतलब ही होता है ज़मीन के नीचे, चट्टानों के नीचे दब कर जो फ्यूल बन जाता है, यानी तेल बन जाता है हमारे काम के लिए, दैट इज़ पेट्रोलियम। ओके, तो ये हमने हेडिंग में देखा था। फिर इसमें एक्टिविटी 5.1 में हमने ये देखा था कि कुछ ऐसे मटेरियल्स की लिस्ट बनानी है जो कि नेचुरल हैं और मैन मेड है। ठीक है, तो एक तरफ नेचुरल मटेरियल लिखने हैं और एक तरफ मैन मेड मटेरियल लिखने हैं। ओके, तो ये भी सिंपल था। फिर हमने क्या देखा था कि नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते अर्थ में, जैसे सनलाइट, एयर, सनलाइट, एयर, ये सब ऐसे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन से हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं विद अ स्पैन ऑफ टाइम। अगर हम इनको बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, बहुत कम मात्रा में यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इनको ख़त्म होने में। ओके, तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट, मतलब अगर जंगल की कटाई करते जाएंगे तो जंगल ख़त्म होते जाएंगे, वाइल्ड लाइफ, जानवरों को मारते जाएंगे या फिर जानवरों के रहने का एरिया ख़त्म करते जाएंगे, जंगलों को ख़त्म करते जाएंगे तो जानवर भी, वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। मिनरल्स, मिनरल्स जितनी ज़्यादा माइनिंग करेंगे, जितना ज़्यादा ज़मीन के नीचे से निकालेंगे उतने कम होते जाएंगे। ठीक है, कोल यानी कोयला, कोयला भी जितना लिमिटेड अमाउंट में तो है ज़मीन के नीचे, अगर उसको बहुत ही अधिक मात्रा में खुदाई कर लिया जाए और उसको जला करके कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ों में उड़ा दिया जाए तो फिर वो बचेगा ही नहीं हमारे अर्थ में। ठीक है, कोल भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, ओके, बायोडीजल, फॉसिल फ्यूल, ओके, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, ये सब आ जाते हैं पेट्रोलियम के अंदर। ओके, और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में अपना यही सीएनजी, एलपीजी वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने कंटेनर वाला एग्जांपल देखा था, उसमें हमने ये समझा था कि तीन जनरेशन में डिवाइड कर दिया था, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, 7 स्टूडेंट्स को 3 जनरेशन में डिवाइड कर दिया था। तो एक स्टूडेंट पहले ग्रुप में था, 2 स्टूडेंट दूसरे में थे और 4 स्टूडेंट जो थे वो तीसरे ग्रुप में थे। तो जो फर्स्ट ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप को हमने सबसे ज़्यादा वो दिया। फर्स्ट ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, वो पॉपुलेशन अर्थ की जो बहुत पहले हुआ करती थी, बहुत पहले जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो है क्या हमारी, एक तरह से देखा जाए
तो वो क्या है, जो बहुत पहले जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो हमारी फर्स्ट ग्रुप है। ओके, मतलब पॉपुलेशन बहुत कम होती थी। हमारे इंडिया की ही बात करें तो लगभग 1900-1920 के आसपास, मतलब 100 साल पहले लगभग पॉपुलेशन थी 25 करोड़, आज की डेट में 135 करोड़ हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हुआ है। तो उस समय 25 करोड़ थी पॉपुलेशन, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो 25 करोड़ लोग हैं वो जंगलों का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल मिल रहा है, लकड़ी है, कोयला है, उनका यूज़ कर सकते हैं। बट आज की डेट में पॉपुलेशन इंडिया की 135 करोड़ प्लस है। तो इतनी पॉपुलेशन जो है वो अगर यूज़ करने लग गई सारे नेचुरल रिसोर्सेस को, तो आने वाले 20-30-50 सालों में तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, इसीलिए तो सरकार ने पेड़ लगाओ और ये करो, वाटर मत वेस्ट करो, ओके पेड़ों को लगाओ, ओके पेड़ों की कटाई मत करो, पेपर कम यूज़ करो, ओके तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये इसीलिए तो हो रहा है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पता है, सरकार को भी पता है कि इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने में आएंगे तो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स बहुत ही आसानी से डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो जो फर्स्ट ग्रुप था वो आप इमेजिन कर लीजिए कि वो इंडिया की एकदम शुरुआती पॉपुलेशन थी। ओके, इंडिया की एकदम शुरुआती पॉपुलेशन थी फर्स्ट ग्रुप। ओके, जिसमें एक स्टूडेंट था, दो स्टूडेंट, मतलब लगभग 50 साल पहले की बात अगर करें, या 40 साल पहले की बात करें, या 30 साल पहले की बात करें हम, ठीक है, या 40 साल पहले की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो वो जो ग्रुप था 40 साल पहले का, वो 40 साल पहले का जो पॉपुलेशन था इंडिया का, तो उसको जो फर्स्ट ग्रुप में छोड़ा, यानी 1920 की जो पॉपुलेशन थी उसने जितने रिसोर्स छोड़े, उसने मनमाना यूज़ किया, भर पेट यूज़ किया, जितना यूज़ कर सकता था, उसके बाद जो भी बचा तो वो सेकंड जनरेशन ने यूज़ किया, यानी अभी 30-40 साल पहले की जनरेशन ने, उसने भी इतना अधिकतम यूज़ कर लिया कि अब जो हमारी जनरेशन है, जो हम ले रहे हैं, तो हमारी जनरेशन में चीज़ों की कमी पड़ेगी। अब आगे जाके वाटर जो है ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है, ख़रीदना ही पड़ता है कई जगह, तो पहले वाटर ख़रीदना नहीं पड़ता था, हर हैंडपम्प में पानी आ जाता था, हर बोरवेल में पानी आ जाता था, आजकल बोरवेल वगैरह में पानी नहीं आता जल्दी कई कई जगहों में। ठीक है, इतने ज़्यादा बोरवेल हो चुकी हैं कि सरकार ने रोक लगा दी है उन पे, आपको जंगली जानवर आसानी से देखने नहीं मिलते। ठीक है, आपको पेट्रोल वगैरह के दाम बहुत महंगे हो गए हैं क्योंकि ख़त्म होने वाला ये है चीज़, इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, जितने भी गाड़ियाँ वगैरह चलेंगी सब इलेक्ट्रिफाइड ही चलेंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसीलिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो जो ग्रुप बांटा गया था, तीन ग्रुप बांटा गया था, तो फर्स्ट ग्रुप को सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिले, फिर सेकंड ग्रुप को थोड़े कम, और थर्ड ग्रुप जो है उसको सबसे कम या ना के बराबर। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कुल मिला के कि हम अगर बहुत ही सलीके से यूज़ नहीं करेंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, तो हमारे लिए, हमारे यूज़ के लिए वो नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। ओके, तो फिर स्टोरी ऑफ कोल बताया कि कोयला कैसे तैयार किया जाता है, कोयला कहाँ मिलता है, तो ये बताया कि 300 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी बात, लगभग 30 करोड़ साल पुरानी बात है। ठीक है, 30 करोड़ साल पुरानी बात है जो, ओके, तो इतने साल पहले, इतने मिलियन साल पहले, आप सोच सकते हैं कितना, मतलब क्या बोले, डायनासोर वगैरह तो 6 मिलियन 7 मिलियन ईयर्स पहले थे, तो 300 मिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ बनी होगी, ठीक है, अर्थ का जो ओरिजिन है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, 4.5, और जो क्या बोलते हैं, अर्थ में लाइफ आई है वो लगभग 2.5 से 3 के बीच में आई है, 3 बिलियन ईयर्स के बीच में आई है। ठीक है, तो ये जो 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या था, बहुत ही घना जंगल हुआ करता था हमारी अर्थ में, सिर्फ जंगल ही जंगल, फिर पानी पानी, फिर जंगल ही जंगल ऐसा। तो वो जंगल जो था, जब भी कोई भूकंप वगैरह आता था या
वोल्केनो इरप्शन होता था तो वो जंगल पूरा का पूरा दब जाता था ज़मीन के नीचे, पूरा का पूरा जंगल जो है एक साथ दब जाता था ज़मीन के नीचे, ठीक है। तो वो जो जंगल है जो ज़मीन के नीचे दब गया है, वो जंगल जो ज़मीन के नीचे दब गया है, ठीक है, वही जंगल लाखों करोड़ों साल बाद, मतलब अभी देख सकते हैं आप 300 मिलियन साल बाद आज कोल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो दब दब के हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर झेल झेल के वो कन्वर्ट हो गया किसमें, फॉसिल फ्यूल में। क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग होगा उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर होगी, कार्बन, और कार्बन जो है सबसे बेसिक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन ज़रूर होगा, और कार्बन जो है सबसे बेसिक फॉसिल फ्यूल है, मतलब किसी भी आप पेट्रोल उठा के देख लीजिए, डीजल उठा के देख लीजिए, सब में कार्बन मौजूद होता है, ठीक है, कार्बन के एलिमेंट सब में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कोल की कहानी जो हमने पढ़ी थी। कोल एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल मतलब लिविंग थिंग्स जब ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, हज़ारों लाखों साल तक दबे रहते हैं, ठीक है, तो वो फॉसिल फ्यूल बना लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, फॉसिल फ्यूल बना लेते हैं, ओके। तो फॉसिल फ्यूल मतलब होता है फॉसिल कैसे बनते हैं, फॉसिल फ्यूल वर्ड है फॉसिल से, तो फॉसिल मैंने बताया कि हज़ारों लाखों साल तक जब कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सपोज़ कोई पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, या कोई पौधा है या ट्री है कुछ भी है, वो ज़मीन के नीचे दब गया, ठीक है, उसको आपने गड़ा दिया सपोज़ ज़मीन के नीचे, उसको दबा दिया ज़मीन के नीचे, अब विद इन द टाइम स्पैन 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, उसके ऊपर मिट्टी जमती जाएगी जमती जाएगी जमती जाएगी, एक लिमिट ऐसी आएगी वो पूरा दब जाएगा ज़मीन के नीचे अंदर तक। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब आएगा, मतलब ज़मीन के नीचे क्या होता है, अर्थ जो है अर्थ के सेंटर में कोर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद होता है मैग्मा, फिर होता है क्रस्ट, ठीक है, तो कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर क्रस्ट होता है, मैग्मा मैंने बोल दिया सॉरी, कोल मेंटल कोर मेंटल फिर क्रस्ट, तो हम क्रस्ट में रहते हैं, क्रस्ट के भी अपर पार्ट में, ठीक है, तो क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, मेंटल के सबसे अंदर होता है यानी अर्थ के सेंटर में होता है कोर, ओके, कोर होता है। तो जैसे जो कोर है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, इतनी गर्मी होती है जितना सन की सरफेस में होती है, यानी लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वाटर कितने में गर्म होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और अंदर कितनी गर्मी होती है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हैं कि अर्थ के सेंटर में कितनी गर्मी होगी, ठीक है। तो वही जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर रहता है उसके इन्फ्लुएंस में आके जो चीज़ें ज़मीन के नीचे दब के और फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल में। ज़मीन के नीचे दबा हुआ पेड़ लाखों करोड़ों साल बाद उसको तो बोलेंगे फॉसिल, क्या बोलेंगे, फॉसिल, लेकिन वो फॉसिल फ्यूल कब बनेगा, फॉसिल फ्यूल वो बनेगा जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आएगा, ओके, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉसिल फ्यूल में, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कोक क्या होता है, तो सबसे पहले कोल हमने समझ लिया, उसके बाद जब एक और चीज़ मैं बता दूं कोल के बारे में, यानी कोयले के बारे में, जब कोल को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, और कोयले को इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस मतलब कुछ ऐसी तकनीकों से उसको कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे कोक, कोल टार और कोल गैस, तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। कोल जब इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है तो वो तीन फॉर्म्स में निकल के आता है, कोक, कोल टार और कोल गैस, कोक, कोल टार और कोल गैस। तो कोक जो होता है वो टफ़ यानी मजबूत, पोरस यानी छेद वाला, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। कोक को आप ज़्यादा हो तो गूगल में सर्च करके देखिएगा कोक कैसा दिखता है, ठीक है, टफ़ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है ये, लगभग लगभग प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है कार्बन का,
और कोक जो है वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टील बनाने के लिए सोच लीजिए आप किसका यूज़ किया जाता है, कोक का। क्यों? क्योंकि कोक कैसा होता है, टफ होता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। ठीक है, स्टील बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और कई मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने में, मतलब ज़मीन से निकालने में। ठीक है, कोल टार क्या होता है, तीन पार्ट थे, कोक, कोल टार और कोल गैस। तो कोल टार क्या होता है, ये ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। अब कोल से बना है तो ब्लैक तो होगा ही, तो ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, थिक मतलब गाढ़ा, और बहुत ही गंदी सी अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसमें। ठीक है, मिक्सचर किन किन चीज़ों का होता है, 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है ये, आप सोच सकते हैं 200 सब्सटेंस पाए जाते हैं कोल टार में। ओके, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज डेट एज स्टार्टिंग मटीरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरी डे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। तो कोल टार से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल किस चीज़ के लिए, स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाने के लिए, जैसे सिंथेटिक डाइज। सिंथेटिक डाइज मतलब बालों को काला करने के लिए जो डाई लगाते हैं घर पे, वो सिंथेटिक डाइज कहलाती हैं। ड्रग्स, ड्रग्स आपको पता है, ड्रग्स मतलब सिर्फ ड्रग्स नहीं होते हैं, ओके, मतलब ऐसा नहीं होता नशा, ड्रग्स मतलब वो मेडिसिन भी होती हैं जिससे पेन जाता है बॉडी का। ठीक है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स का मतलब जो फोटोग्राफी में यूज़ होता है, जैसे AGBR हो गया, ठीक है, और भी कार्बोनेट वगैरह हो गया, तो ये सारे। रूफिंग मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स मतलब पॉलीकार्बोनेट वगैरह हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली नेपथलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। तो नेपथलीन बॉल्स भी कोल टार से ही मिलती हैं, ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, नेपथलीन बॉल किससे ऑब्टेन होती है, कोल टार से। ठीक है, दीज डेज बिट्यूमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार। इस समय जो बिट्यूमेन है, यानी जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिट्यूमेन, वो किसकी जगह यूज़ होता है, कोल टार की जगह यूज़ होता है फॉर मेटेलिंग द रोड्स। ठीक है, आपने देखा होगा बिटुमेन को, मतलब डाम्बर जिसको बोलते हैं। ठीक है, डाम्बर आपने देखा है जिससे रोड बनाई जाती है। ठीक है, कैसा काला सा मटेरियल होता है, तो वो जो है कोल टार से ही बनता है। ठीक है, कोल गैस, कोल गैस क्या होती है, अब गैस है तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही होगा कैसी होगी। कोल गैस इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, मतलब कोल से जब इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में कोक बनाया जाता है। ठीक है, कोल से जब कोक बनाया जाता है तो जो गैस निकलती है वो कहलाती है कोल गैस। ठीक है, कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट के लिए कोल गैस का यूज़ किया जाता था फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 में। ठीक है, कोल गैस का यूज़ किया जाता था, एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, और न्यूयॉर्क में लगभग 1820 के आसपास। नाउअडेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट, आजकल ये हीट का सोर्स है, हीट मतलब गर्मी का, हमने हीट चैप्टर पढ़ा है, मतलब गर्मी का। ओके, लाइट का सोर्स तो है ही है, लेकिन साथ साथ में गर्मी का भी सोर्स है ये। अब कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, एक तरह के फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसका, कोल गैस का। फ्यूल मतलब, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ठीक है, फ्यूल का मतलब तेल, ईंधन, उसकी तरह यूज़ किया जाता है कोल गैस का बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में मेनली। ठीक है, मतलब कोल प्रोसेसिंग प्लांट मतलब जहाँ कोल बनाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो वर्ड है पेट्रा प्लस ओलियम से आया है, तो पेट्रा मतलब होता है रॉक यानी चट्टान, और ओलियम मतलब होता है ऑयल, मतलब चट्टानों के नीचे दब के अगर कोई फॉसिल फ्यूल, फॉसिल जो है, फॉसिल मतलब प्लांट या एनिमल, कुछ भी प्लांट हो या एनिमल हो, ट्री हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, वो चट्टानों के नीचे दब दब के वो बन जाता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर में पेट्रोलियम। ओके, तो पेट्रोलियम के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, पेट्रोलियम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चलिए हम रीड करते हैं हमारी बुक में आज के लेक्चर में कि पेट्रोलियम होता क्या है। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार, स्कूटर एंड कार्स। तो आपने देखा ही है पेट्रोल लोग डलाते हैं अपनी मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में, कार्स में, ताकि उन गाड़ियों को चला सकें। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल, जो भारी वाहन हैं जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, वो डीजल पे चलते हैं।
पेट्रोल और डीजल कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है? नेचुरल रिसोर्स से ऑप्टेन किया जाता है, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल और डीजल किससे मिलता है? पेट्रोलियम से ही मिलता है। ठीक है, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स। इसकी खुदाई कहाँ की जाती है? इसकी खुदाई मतलब ये हमें कहाँ से मिलता है? रॉक्स के बीच से, अंडर द अर्थ, जमीन के नीचे। ठीक है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कैसे बनता है? ये बनता है ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो समुद्र के नीचे रहते हैं। ठीक है, ज़मीन की तो बात हो गई थी कि पेड़ दब गया, कोई वो एनिमल दब गया, तो बहुत लाखों करोड़ों साल तक बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे एनिमल दबते रहे और फिर वो कन्वर्ट होते रहे फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, फिर हाई टेम्परेचर प्रेशर में वो पेट्रोलियम बन गए, तो वो तो होता ही है लैंड में, बट पानी के नीचे भी यही प्रोसेस होता है। पानी के नीचे पानी में रहने वाले जानवर जो हैं, मछलियाँ हैं, कोरल्स हैं, पॉलिप्स हैं, क्रैब्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, ये सब ज़मीन के नीचे दब दब के पानी की ज़मीन के नीचे दब के समुद्र के अंदर दब दब के क्या बन जाते हैं? पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे ऑर्गेनिज्म ख़त्म होते हैं या मरते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। इनकी जो बॉडी है यानी इनका जो शरीर है वो कहाँ आ जाता है? समुद्र के नीचे दब जाता है। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और बालू की परतों के बीच में दब जाता है। लाखों करोड़ों साल बाद हवा मौजूद नहीं होती वहाँ पे, हाई टेम्परेचर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम में। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे जो समुद्र के अंदर होते हैं, बहुत सारे जानवर, वो धीरे धीरे मर मर के ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, दबते जाते हैं, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। ठीक है, इट शोज़ द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज़ अबव दैट ऑफ वाटर। जो लेयर पेट्रोलियम ऑयल और गैस जहाँ से निकलती है वो वाटर के ऊपर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑयल और गैस जो है वो लाइटर होती है पानी से और उसके साथ मिक्स नहीं होती। कभी भी आप तेल को पानी के ऊपर, पानी की गिलास में डालिएगा, वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि तेल जो है वो उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। ओके, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, पहला जो तेल का कुआं है वो कहाँ ड्रिल किया गया था, कहाँ खोदा गया था? पेंसिल्वेनिया में। कहाँ खोदा गया था? पेंसिल्वेनिया यूएसए में। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए। कब? 1859 में, 8 साल बाद 1867 में ऑयल जो है वो माकूम असम में निकला। 8 साल बाद ऑयल जो है कहाँ निकला? माकूम में यानी असम में, 1867 में। ठीक है, इन इंडिया, हमारे इंडिया में ऑयल कहाँ से निकलता है? असम से निकलता है। जो ईस्ट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता है, ईस्टर्न स्टेट होता है, गुजरात से निकलता है, मुंबई हाई से निकलता है, रिवर बेसिन से निकलता है। कौन कौन से रिवर बेसिन से? गोदावरी और कृष्णा से। ठीक है, तो गोदावरी कृष्णा कहाँ है? हमारे साउथ की, गोदावरी को तो साउथ की गंगा बोलते हैं। ओके, और कृष्णा भी वहीं साउथ में ही पाई जाती है। ओके, अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को रिफाइन कैसे किया जाता है? रिफाइन मतलब प्यूरीफाई कैसे किया जाता है? अब पहले मैं रीड करूँगा, फिर बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, ये एक गाढ़ा चिकना लिक्विड है। ओके, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसकी बहुत ही बेकार स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि पेट्रोलियम किन किन चीज़ों का मिक्सचर होता है, कितनी सारी चीज़ें होती है इसमें। पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, ये सब का सब एक साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? पेट्रोलियम बना लेते हैं, या पेट्रोलियम इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनता है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट, वेरियस कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? यही पेट्रोल गैस,
पेट्रोल, डीजल, ओके, केरोसिन, तो ये सारे कंस्टिट्यूएंट हैं काहे के, पेट्रोलियम के। ठीक है, ये कंस्टिट्यूएंट को अलग पेट्रोलियम से कैसे किया जाता है, पेट्रोलियम से इन कंस्टिट्यूएंट को अलग कैसे किया जाता है, रिफाइनिंग से। ठीक है, किससे, रिफाइनिंग से। ये कहाँ होता है, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, जहाँ पर रिफाइनिंग की जाती है, यानी पेट्रोलियम से इन चीज़ों को, यानी पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ओके, तो ये सब चीज़ें अलग की जाती हैं। ठीक है, इसी को रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। बहुत सारे यूजेस दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये वेल है, वेल मतलब कुआं। ठीक है, ये पेट्रोल का वेल है। कहाँ, ये दो दो जो डंडियाँ दिख रही हैं, ये वेल है, इसके बीच में कुआं है। ठीक है, ये जो बीच में वाटर जैसा बह रहा है, ये क्या है, सबसे पहले तो वेल के नीचे रॉक्स हैं, रॉक्स मतलब चट्टान, चट्टान के नीचे इम्परवियस रॉक्स है, मतलब इसके अंदर पानी जो है नहीं जा सकता। ठीक है, फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं जो पानी की जो लेयर बह रही है, वो क्या है, वो है पेट्रोलियम। ठीक है, फिर उसके नीचे गैस है, फिर ऑयल है, फिर वाटर है। ठीक है, फिर नीचे रिजर्वॉयर रॉक है, मतलब वो ही बना रही है इन सब चीज़ों को, इसको पेट्रोलियम वगैरह को। ठीक है, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे निकाले जाते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये जो आपको दिख रही है डायग्राम में। ओके, तो मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से निकाले जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। ये क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिटर्जेंट्स यानी निरमा वगैरह, फिर फाइबर्स, फाइबर, पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक। तो जो पेट्रोकेमिकल होते हैं, यानी पेट्रोलियम और केमिकल से जो मिक्स होते हैं, ठीक है, पेट्रोकेमिकल मतलब, पेट्रो मतलब रॉक और केमिकल मतलब, केमिकल मतलब केमिकल्स, आपको पता ही है केमिकल्स क्या होते हैं, ओके, रसायन, ओके। तो मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें निकाली जाती हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से, उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, तो आप सीधा सीधा बोलिएगा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो ज़रूरी चीज़ें निकाली जाती हैं, उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, ये किस काम आते हैं, दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। पेट्रोकेमिकल से क्या बनता है, डिटर्जेंट बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं। फाइबर्स कौन कौन से, पॉलीस्टर, नायरॉन, एक्राइलिक, पॉलीस्टर। पॉलीस्टर आपको मैं एग्जांपल दूं तो प्लास्टिक टाइप का होता है, नायलॉन, नायलॉन की रस्सियां आती हैं। ठीक है, एक्राइलिक, एक्राइलिक पेंट वगैरह आता है, प्लास्टिक जैसा रहता है ये भी। ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीथीन जिसमें सामान ले जाते हैं वही पॉलीथीन, और दूसरे मैनमेड प्लास्टिक्स जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। और पेट्रोकेमिकल कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से एक और गैस निकलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स के प्रोडक्शन में। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइज़र जो पेड़ों की पैदावार यानी पेड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स, जैसे यूरिया। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अपनी बेहतरीन कमर्शियल इम्पॉर्टेंस के कारण, कमर्शियल इम्पॉर्टेंस मतलब इससे पैसे आते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह से पैसे आते हैं, तो ये कमर्शियल इम्पॉर्टेंस हो गया, कॉमर्स यानी मनी, मनी मेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पॉर्टेंस पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अपनी बहुत ही अच्छी कमर्शियल इम्पॉर्टेंस के कारण पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना। ओके, अब हम देखते हैं नेचुरल गैस क्या होती है। तो गाइज, नेचुरल गैस आपको पता है क्या होती है, जो आसानी से
ज़मीन के नीचे से निकाली जा सके, जैसे कॉम्प्रेक्स नेचुरल गैस CNG, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारी नेचुरल गैसेस होती हैं। तो इनको हम बहुत ही ब्रीफ में अभी मैंने बता दिया है, बट हम इनको बहुत ही एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो गाइज़ घर पर सेफ रहिए, बाहर निकलिए तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए। जहाँ पर डाउट आए प्लीज़ पूछिए, और जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया नेचुरल गैस तक, यहाँ तक आप एक बार रीड कर लीजिएगा घर पे, ठीक है, हो सके तो 2-3 बार रीड कर लीजिएगा, और जो भी डाउट आए प्लीज़ मेरे से पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच।